लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीबी न्यूज पे। आज 21 नवंबर बुधवार, आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। धर्मसभा के लिए एबीवीपी ने अयोध्या कूच का किया ऐलान। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाली विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा के लिए वाराणसी से ज्यादा लोगों को भेजने की मुहिम में तमाम हिंदूवादी संगठन जुटे हुए हैं। वाराणसी में पहले विश्व हिंदू परिषद, फिर संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने जन जागरण की मुहिम शुरू कर दी है। बीजेपी को कश्मीर में लगा बड़ा झटका, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया तो सांसद ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कश्मीर में बड़ा झटका लगा है। भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के कुछ दिनों बाद लोकसभा सांसद थुपस्तान छवांग ने कहा कि यह निर्णय लिए जाने का कारण झूठे वादे और अविवेकपूर्ण फैसले हैं और उनकी आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबंधित एक पत्र में लद्दाख के सांसद ने भाजपा छोड़ने के संबंधी अपने निर्णय का खुलासा किया और आगामी संसदीय चुनाव के मद्देनजर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। मायावती ने कहा गठबंधन की आड़ में बीएसपी को खत्म करना चाहती थी कांग्रेस। मायावती ने कहा गठबंधन की आड़ में कांग्रेस सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत हमें बहुत ही कम सीटें देकर बीएसपी को खत्म करना चाहती थी। मायावती ने मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के तहत यहां भेल दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, इसलिए उसने बीएसपी से गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। सोनिया राहुल एक साथ करेंगे रैली, कांग्रेस 70 जगहों पर लगाएगी एलईडी स्क्रीन। कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी 23 नवंबर को तेलंगाना के मेडचल में एक साथ चुनावी सभा करेंगे, जिसके लिए पार्टी ने करीब 70 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी स्क्रीन लगाने का फैसला किया है ताकि दोनों नेताओं की बातों को राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। यूपी सरकार का आज से शुरू हुआ नारी सशक्तिकरण अभियान, टोल फ्री नंबर किया जारी। आधी आबादी को जागरूक करने के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल। यूपी में आधी आबादी को जागरूक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार से नारी सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान आज से शुरू होकर एक महीने यानी 20 दिसंबर तक चलेगा। लखनऊ के काफीराम स्मृति उपवन में आज एक समारोह में मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम के अलावा भाजपा यूपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे और यूपी संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। दिल्ली में पकड़ा गया हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी मंगलवार की सुबह हुई है। गिरफ्तार किया गया आतंकी का नाम अंसराउल बताया जा रहा है। यह आतंकी 28 अक्टूबर को कश्मीर के पुलवाला जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के SI इम्तियाज अहमद मीर की हत्या में शामिल था। स्पेशल सेल उसके हर मूवमेंट पर पिछले 15 से 20 दिनों से नजर रख रही थी। एक साल की बच्ची हाथ से छूटकर गिरी ट्रैक पर और ऊपर से गुजर गई ट्रेन। जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये बात कई बार हमने अपनी आंखों से सही साबित होते देखी है। ऐसा ही एक वाक्य मथुरा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। यहाँ एक महिला के हाथ से बच्चा छूटकर ट्रैक पर गिर पड़ा, उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई लेकिन उसका बाल बाका भी नहीं हुआ। इस घटना ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दिल्ली वालों के लिए है गुड न्यूज, दिल्ली में जल्द होगी बारिश, प्रदूषण से दिलाएगी छुटकारा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौसमी दशा स्थिर होने पर कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेक बीजन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दोपहर के बाद राजधानी की हालत फिर भी बेहतर होते हैं लेकिन सुबह और रात वालों को सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। शहर वासियों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों की ओर से कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया गया है। सलमान खान को धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी शाहरुख गुलबाम मनी उर्फ सेरा ने पुलिस को बताया कि वह बॉलीवुड में काम करने का मौका चाहता था। वह चाहता था कि फिल्म इंडस्ट्री में सलमान उसके गॉडफादर बने। पुलिस के अनुसार सेरा ने 6 अक्टूबर को फोन पर सलमान की निजी सहायक को फोन किया और अभिनेता का निजी नंबर मांगा। अधिकारी ने बताया जब निजी सहायक नंबर देने से इनकार कर दिया तो उसने अभिनेता को गाली देना शुरू कर दिया और उन्हें मतलब सलमान को जान से मारने की धमकी दी। यस बैंक के आर चंद्रशेखर का इस्तीफा, बोर्ड में बदलाव चाहते हैं प्रवर्तक। निजी क्षेत्र के यस बैंक के बोर्ड से स्वतंत्र निदेशक आर चंद्रशेखर ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। बैंक ने नियामक को दी जानकारी में यह बात कही। इसके अलावा बैंक के प्रवर्तकों की सहमति मिलने के बाद बैंक अपने निदेशक मंडल का नए सिरे से पुनः गठन करना चाहता है।
जेट एयरलाइन के पायलटों ने धमकी, 30 नवंबर तक नहीं मिला बकाया वेतन तो उठाएंगे बड़ा कदम। जेट एयरवेज के पायलटों ने धमकी दी है कि यदि उनकी बकाया तनख्वाह भुगतान 30 नवंबर तक नहीं किया गया तो वे अगले महीने से अतिरिक्त ड्यूटी नहीं करेंगे। एयरलाइन के सूत्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्र के अनुसार अब तक इस मुद्दे पर कथित रूप से नरम रुख रखने वाला एयरलाइन का घरेलू पायलट निकाय नेशनल एविएटर गिल्ड कंपनी की मौजूदा वित्तीय हालत पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को यहां बैठक कर सकता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कमजोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई टीम कमजोर हो गई है। दोनों पर लगे प्रतिबंध के बाद ऑस्ट्रेलिया एक भी T20 सीरीज नहीं जीत सका है। क्रिकेट जगत की सबसे रोमांचक टीमों के मुकाबले की शुरुआत बुधवार यानी 21 नवंबर से होने जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शुरुआत T20 मुकाबले के साथ होगी। मैदान के भीतर और बाहर खराब दौर से जूझ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एडिलेड में 6 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए अपना दावा पुख्त करने के मकसद से भारत का तीनों T20 मैच अपनी झोली में डालने का होगा। महेंद्र सिंह धोनी ने मारी बाजी। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से इस मामले में निकले आगे। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को ICC के तीनों बड़े टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जिताए हैं। UK स्थित ऑनलाइन मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स फर्म यूगो द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत के प्रभावशाली हस्तियों की एक लिस्ट जारी की गई। यूगो की इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सचिन तेंदुलकर और कप्तान विराट कोहली से बाजी मार ली है। हालांकि इस लिस्ट में पहला नाम अमिताभ बच्चन का है और दूसरे पायदान पर बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। बाजार में 3 दिन की तेजी पर ब्रेक। सेंसेक्स 300, निफ्टी 107 अंक टूटा। रुपए में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद वैश्विक स्तर पर चले बिकावली के सिलसिले बाजार में गिरावट जारी है। शेयर बाजार में 3 दिन से चली आ रही तेजी पर मंगलवार को विराम लगा और सेंसेक्स 300 अंक से अधिक टूट गया। रुपए में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद वैश्विक स्तर पर चले बिकवाली के सिलसिले से यहां बाजार में गिरावट आई। दूसरे दिन भी सोने में गिरावट और चांदी भी टूटी। स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की मांग कमजोर रहने से सोने के भाव में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को दिल्ली सरफा बाजार में सोना 100 रुपए और टूटकर 32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी के भाव भी 200 रुपए घटकर 37,900 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 6वें दिन मिली राहत। नवंबर में अब तक पेट्रोल करीब 3 रुपए जबकि डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 14 पैसे गिरावट के साथ 76.38 रुपए जबकि डीजल के दाम 12 पैसे कटौती के साथ 71.27 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में मंगलवार को पेट्रोल 14 पैसे की कमी के साथ 81.90 रुपए हो गया और डीजल 13 पैसे की कटौती के साथ 74.66 रुपए प्रति लीटर हो गया है। रुपए में 5वें दिन भी रही तेजी। 26 पैसे चढ़कर 10 सप्ताह के उच्चतर स्तर पर पहुंचा रुपया। पिछले 5 दिनों से रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले मजबूती बनाए हुए है। कई खूबियों के साथ जल्द आएगा 100 रुपए का एक और नया नोट। RBI आज दे सकती है मंजूरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी आपके हाथों में 100 रुपए का एक और नया नोट पहुंचेगा। 100 रुपए के इस नए नोट की कई खूबियां होगी। नए 100 रुपए के नोट की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसको आपको संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। यह ना तो फटेगा ना ही कटेगा। आप इसे किसी भी तरह अपनी जेब पर रख सकेंगे। यह पानी में भी डालने पर भी नहीं गलेगा। इसका कारण यह है कि नए नोट पर वार्निश पेंट चढ़ा होगा। जहां तक डिजाइन का सवाल है तो नए नोट की डिजाइन बिल्कुल पुराने नोट की तरह ही होगी, लेकिन इसमें कई नई खासियत भी होगी। अमिताभ बच्चन ने ट्रेन का पूरा डिब्बा किया बुक। किसानों को कर्ज माफी के लिए बुलाया मुंबई। अमिताभ बच्चन ने 70 चुनिंदा किसानों की मुंबई आने का इंतजाम भी किया ताकि वे लेन देन संबंधी अपने बैंक के डॉक्यूमेंट ले सकें। महानायक अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश के किसानों के कर्ज का भुगतान करके उनकी मदद की है। अमिताभ बच्चन ने राज्य के 1,398 किसानों का 4.5 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि किसान लगातार संकट से जूझ रहे हैं, इसलिए उनके कुछ बोझ को कम करने की इच्छा थी। हाउसफुल 4 की शूटिंग हुई खत्म। फिल्म के सितारों ने शेयर की तस्वीर। फिल्म की शूटिंग लंदन, राजस्थान और मुंबई में की गई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और रितेश देशमुख स्टारर हाउसफुल फ्रेंचाइजी के 4th सीक्वल की शूटिंग आखिरकार पूरी हो गई है। अक्षय कुमार ने मंगलवार को ट्वीट पर यह जानकारी दी, जहां उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसके साथ उन्होंने लिखा, हमने हाउसफुल 4 की शूटिंग खत्म कर ली है। हाउसफुल 4 का मजा कभी खत्म नहीं होता। आपको 2019 में मिलेंगे। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। धन्यवाद।